बहुत जबरदस्त बेहतरीन शानदार वॉर यहाँ पे होने वाला है और उसी के लिए आप लोगों का स्वागत करते हैं पापा मोगम्बो सभी बालक बालिकाओं छोरे छोरियों लोंडे लोंडियों मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा ताऊ के बालकों के साथ इब्बा प्यारी प्यारी निब्बियों का भी बेकारी नहीं है अपन बहुत पैसे अपने पास और ये चल पड़ा है रिमांड रूम प्रतियोगिता का पहला अटैक। रिमांड रूम में फिनिक्स भाई साहब अनुराग को लेना चाहते हैं डबल पॉइजन टावर है स्पेस के पास और एक अजीब सी खतरनाक सी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम है फ्लेम फ्लिंगर। वो कहाँ उतारेंगे वो ही समझ रहा हूँ मैं, किधर उतारेंगे या बिलिंग बनाएंगे इसका, समझने वाली बात होगी। यहाँ पे बंदा रुक गया दो बलून छोड़ के। अच्छा ओके ओके दो बलून इधर भी डाले। ओके 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 अब आएगा फ्लेम फ्लिंगर। अरे आजा फले। अरे काहे अब इधर डाल रहा, क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है, इधर से फनल बना रहा उधर से फनल बना रहा, समझ नहीं आ रहा है। आ गया फ्लेम फ्लिंगर और इधर से कल फैक्ट्रो ड्रैगन्स आ चुके हैं गाइस। दोनों तरफ से हमला चालू है इधर से भी और उधर से भी। किंग यहां पे सारी फनल खराब कर देगा। मार दिए आरसी को निकालने के लिए और टाउन हॉल कैसे आएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। टाउन हॉल को एक बार टारगेट कर दिया फ्लेम फ्लिंगर ने तो बात बन गई समझो, खत्म है फिर ये बेस। और जिस हिसाब से आगे जा रहा है अटैक बहुत ओपी तरीके से जा रहा है, बट यहां पे निकल गए हैं कुछ कुछ खतरनाक और शानदार चीजें। इनका नाम है टेस्ला फार्म्स। टेस्ला फार्म्स निकल गए हैं। फ्लेम फ्लिंगर को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी अब टाउन हॉल निकालने के लिए। कंग की एबिलिटी जा चुकी है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टाउन हॉल ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट में भसड़ कर सकता है, बाकी तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो परेशान कर पाए। और फ्लेम फ्लिंगर की ताकत थोड़ी कम बची है, बहुत सारी ताकत को गवा चुका है फ्लेम फ्लिंगर। विन जा रही है टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में, ये एक अच्छी बात है। आरसी ने बाकी सारा डिफेंस टेक डाउन कर दिया है, विन जाके टाउन हॉल निकालेगी अब। और आरसी क्वीन को पहले एबिलिटी दे दे ताकि आरसी कम से कम पॉइजन में ना जाए। ले भाई एक रेज एक फ्रीज और एक पॉइजन का स्वैग आ रहा है यहाँ पे, और वो भी बहुत खतरनाक वाला आ रहा है गाइस। पहले ही अटैक में जोरदार रिमांड लिया गया है अनुराग भाई साहब का। इस दुख को बर्दाश्त करने में उनको टेंशन तो है। जॉर्डन भाई साहब भी आ चुके हैं तुरंत ही अपनी हाइब्रिड की सेना को लेकर। हाइब्रिड की सेना देगी बेस को फेना। कितना देगी फेना ये आप देख रहे हो ना, बिल्कुल देख रहे हैं। पिन चार चल रहा है अभी तक तो सही। कंपार्टमेंट में क्वीन एंट्री लेगी यहां से, ये एक अच्छी बात है। और डैमेज के साथ अब बातचीत होगी क्वीन की यहां पे शुरू। स्कैटर शॉट है अपोनेंट का, किंग है एक हेड एंटर डालिए, आ चुका है हेड एंटर। अपोनेंट के भी हेड एंटर निकल के आ गए हैं दो दो एक साथ। क्वीन ने एक को टेक डाउन किया और साथ में कर दिया दूसरे को भी। और वॉल ब्रेकर ने अपनी सही दीवार तोड़ के दे दिया यहां पे। बस क्वीन यहाँ पे मोनोलिथ से दूर रहे और ये काम हो गया है। ये काम हो गया तो समझो अब क्वीन टाउन हॉल को आराम से निकालेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हाइब्रिड की सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है, दिक्कत परेशानी होगी नहीं अब यहाँ पे। और हाइब्रिड आ भी चुका है जैसे हमने बोला, तुरंत ही हाइब्रिड की सेना अपनी फेना लेके आ चुकी है। और उसके अंदर हाइब्रिड में एक खुदाई करने वाली मशीन भी साथ साथ चल रही है। वाली मशीन मेरे को बहुत बड़े लगती है, बेहतरीन खुदाई करके देती है गाइस बेस के अंदर। मोनोलिथ के पास क्वीन जाने रही है, बहुत ज़्यादा बुरी क्वीन है गाइस, ऐसी गंदी क्वीन भगवान किसी को ना दे जो टाउन हॉल और मोनोलिथ को छोड़ के भाग जाए और दुनिया के उल्टे सीधे कोनों में जाके घूमे, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वन स्टार करा देगी इस तरह से तो गाइस। उल्टे सीधे काम कर रही है क्वीन, इनविजिबल के अंदर भी नहीं गई है। अरे इनविजिबल में घुस जा बेवकूफ़ औरत, एबिलिटी और बर्बाद करवा दिया गाइस, फ्रीज एक भी है नहीं।
क्वीन अगर यहाँ पे टाउन नहीं निकलवाई तो भाई जीवन में कलेश हो जाएगा। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये स्केलेटन्स निकल के आए हैं, क्वीन को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, पर हीलर्स यहाँ पे बहुत ओपी तरीके से काम कर रही हैं, क्वीन को जिंदा रखे हुए हैं, आरसी के पास एबिलिटी है, मामला स्ट्रॉन्ग नजर आ रहेगा इसे एकदम से। मार्केट में मामला ध्वस्त होते होते थोड़ा सा पावरफुल हो गया है, पर ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। हीलर्स एक बार स्विफ्ट हो जाए। अरे भाई 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 बढ़िया, होग राइडर्स ओपी ओपी ओपी, अरे होग राइडर्स क्या बात बनी है इस अटैक में, क्या बात बनी है और क्या इस बेस की रात बनी है भाई साहब। यू टर्न मार के ट्रिपल मार दिया इस बेस को, और मेरी मम्मी ला रही है रोटी, तब आदब कह रहे बेटे रोटी खाओ तुम, मगर मम्मी पहले रोटी खिला दें दो अपोनेंट को, अपोनेंट को रोटी खिला रहे हैं पहले का इस ना। हमला नंबर 3 वॉरियर भाई साहब, भाई साहब ये बेस एक तरह का बहुत तगड़ा टेंशन है, क्योंकि इस बेस में दो दो पॉइजन टावर हैं टाउन हॉल के पास, वही असली टेंशन इस बेस की। वहां से इलेक्ट्रो ड्रैगन का सरवाइव करके निकल पाना बड़ा मुश्किल है, और वहीं से बंदा एंट्री करवा रहा है। देखो वार्डन एबिलिटी में तो मोनोलिथ निकलेगा, देखो मोनोलिथ निकल गया तो निकल गया वार्डन एबिलिटी में, उसके बाद जो टाउन हॉल है, अरे दादा हो गया काम, इलेक्ट्रो ड्रैगन लेट हो चुके हैं। और अब आप देखो कितनी बुरी तरीके से गति बैठेगी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की यहाँ पे, मामला लेट हो गया है, पॉइजन हैवी पड़ रहा है, बहुत हैवी पॉइजन पड़ रहा है यहाँ पे। कम ऑन इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, यू कैन डू इट ब्रो, यस यस यस। देखो इलेक्ट्रो ड्रैगन की गति मेरे को पता था यहाँ तक बैठ जाएगी, और उनकी बैठ चुकी है। अच्छी बात यह है कि आर्टिलरीज ने पहले टेक डाउन कर ली थी, पर बुरी बात यह है कि सिंगल टारगेट, दो दो स्कैटर शॉट और सीसी में से मुझे लग रहा है शायद कुछ ना कुछ अभी आना बाकी है। डबल फ्रीज एक पॉइजन है, एक पॉइजन तो यहीं पर लग जाएगी क्वीन के पास, वरना आरसी की गति बिठा देगी क्वीन। अगर क्वीन क्वीन से बढ़ेगी तो क्वीन की एबिलिटी जाएगी, ये गई क्वीन की एबिलिटी। चलो फ्रीज लगा दिए भाई साहब ने, मतलब कुछ आ हा 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 हा, बहुत बुरा हुआ, क्वीन भी फंस गई है मल्टी टारगेट के पास और सिंगल के पास आर ले भाई साहब, डबल बुरा। फ्रीज भी यहीं पे लगेगी अब सिंगल टारगेट पे, और क्वीन के पीछे का घोड़ा भी मर गया। मैं आपको बोल रहा था ना ये वाला कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगा दादा, पर दादा उस कंपार्टमेंट ने खाल तार दी पूरा अटैक की। पर चलो दो ट्रिपल आ चुके अपने स्टार्टिंग में, डिफेंस कुछ ज्यादा बचा नहीं था। वहां से इलेक्ट्रो ड्रैगन अगर सर्वाइव करके निकल जाते ना दो तीन भी, बस फिर तो काम है, पर वैसा हो नहीं पाया। अरे क्वीन भी मर गई, 80% कर देगा कहीं रगड़ तकड़ के, ये भी अपने हाथ पैर घुटने सब यहीं टेक देगा। अरे मार, अरे मार। हमला नंबर चतुर्दशी यानी कि चौथा हमला, सुजोय भाई साहब अपने दो बेस ऑलरेडी डिफेंड कर चुके हैं तो समस्या कोई है नहीं, और इलेक्ट्रो ड्रैगन कर रहा है सुजोय, कमाल है। ये बंदा इलेक्ट्रो ड्रैगन करता नहीं है जनरली, ये बंदा करता है वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर बोलर स्मैश, और आज इलेक्ट्रो ड्रैगन की चंडी सवार है बंदे के अंदर। आइए देखते हैं चंडी की डंडी कितनी दूर तक उड़ेगी। मोनोलिथ मिल जाएगा, मिल गया, क्वीन मिल जाएगी, मिल गई, आरसी नहीं मिल रही है, बहुत गलत हो रहा है ये। अरे हेड हंटर ने भाई साहब डैमेज दे दिया। चलो 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 चलो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, मारो इसके एक 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 मारो रे, दो फ्रीज बची हुई है, कम ऑन इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, सुन रहे मेरी, अरे बाप रे बाप, सीसी बाहर आ गया, फ्रीज मार फ्रीज मार फ्रीज मार, बहुत बढ़िया रेज मार, बहुत बढ़िया, अरे गया टाउन हॉल, बस अब इससे लावा से छुटकारा पाओ इसी तरह से, और इस बेस को 3 स्टार का स्वादिष्ट झटका खिलाओ। लावा से छुटकारा मिल चुका है, यानी कि इस बेस को 3 स्टार का स्वादिष्ट झटका बस देखो कुछ ही देर में लगने वाला है। इतना बढ़िया अटैक
कर रहे हैं लोंडा लोग कि अपनी टेंशन ही खत्म सी हो गई है, अब तो मेरे अंदर का प्लाउस जाग चुका है, अब प्लाउस बाहर निकलेगा। कल फैक्टो ड्रैगन तो आपने बहुत देख लिया, अब आप देखना प्लाउस क्या करता है। प्लाउस करेगा ओपी तरीके से 0 स्टार, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस अटैक के बाद अपने हारने के चांसेस कोई बन पाएंगे, और जब जब चांसेस हारने के नहीं होते ना, मेरे अंदर का प्लाउस जाग जाता है गाइस। प्लाउस तो पता आपको एक ही है, प्लाउस से भी ज्यादा खतरनाक प्लेयर है ये प्लाउस। अभी देखो क्या करेगा ये लोंडा। अरे 99, अरे हो जाएगा 100 यार, ये इसको नहीं देखते अपना अगले अटैक। फिलहाल का सिनेरियो गाइस देखो कुछ ऐसा है, 3 अटैक करे इन्होंने, 83, 99 और 79। चौथा अटैक ये चल रहा है, इसको देख लेते हैं इसके हालात क्या है इस अटैक के। ये 3 स्टार हो रहा है, 2 स्टार हो रहा है, 1 स्टार हो रहा है, पर इससे पहले तो मेरे को अटैक करना पड़ेगा। अगर ये अटैक देखता रहूँगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। प्लाउस वाली आर्मी तो मैंने बना ली है, टाइम खत्म हो जाएगा गाइस। तो चलो अगर इसको ये ट्रिपल मारता है और इसको भी ट्रिपल मारता है तो इनके 6, 3, 9, 3, 12 स्टार होंगे, और ये परसेंटेज में हमसे पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमने ट्रिपल मारा है। तो अपने को जीतने के लिए सिर्फ 1 स्टार करना है, वो तो मैं कर ही दूंगा, और फुल रिस्की अटैक। ठीक है, आर्मी देख लो आप जरा, 14 वीच हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें, मुझे भी नहीं पता क्या क्या चीजें लेके भर के आ गया हूं मैं। 14 वीच हैं, 2 गोलम है और 2 आइस गोलम है, और जैप पैप मारना है, क्या क्या मारना है देखते हैं। पांच जैप तो ये गई और 6 जैप ये गई, ठीक है, 2 गोलम ये गए, ये आ गई विचेस, किंग क्वीन वार्डन और आइस गोलम, वार्डन एबिलिटी। देखो गाइस अपने को 1 स्टार करना है, वो तो हो ही जाएगा, कोशिश करेंगे 3 स्टार की, कि आर्मी हमने उसी हिसाब से बनाई है तो ट्रिपल करा सके, पर थोड़ा सा चल गलत रही है फिलहाल। बाहर की तरफ जा रहे हैं लोंडा लोग, यार ऐसे मन ना करो यार, ऐसे काहे कर रहे हो भैया, एकदम गलत, सारे के सारे बाहर चले गए यार, ये कोई तरीका है? पहली बार मैं ऐसी आर्मी से अटैक कर रहा हूँ, प्लाउस जगा रखा है मैंने अपना और ये बाहर भाग रहे हैं, टाउन हॉल के पास कोई जा ही नहीं रहा है। आरी आर्मी का नाश फेल दे इन्होंने गाइस। अरे यार क्या प्लाउस बनेगा रे तू, मेरे को लग रहा वार्डन एबिलिटी मेरे को यहां पे बचा के रखनी चाहिए थी, इस जगह देता तो ज्यादा अच्छा रहता। क्वीन की एबिलिटी भी तो चली गई मेरी, क्वीन की एबिलिटी होती ना तो भी काम हो जाता, सिंगल टारगेट ने पकड़ लिया ना मेरी क्वीन को, गंदी सी सिकल वाला सिंगल टारगेट इन्फर्नो। वरना देखो डिफेंस अगर हम ध्यान से देखें तो 2-3 डिफेंस बचे हैं बस। कोई नहीं गाइस, पर प्लाउस तो आया ना, ऐसे जीतने के लिए 1 स्टार करना था। अगली बार और कुछ धुआंधार आर्मी लेके आएंगे, 1, 2, 3, 3-4 डिफेंस बचे थे बस, और अपोनेंट ने कितने स्टार मारे वो भी देख लेते हैं। छे, डर के मारे अटैक ही नहीं करा अपोनेंट ने, क्योंकि ये वाला अटैक बेचारों का 2 स्टार हो गया, अगला अटैक करके उखाड़ ही क्या लेते भाई साहब। तो बस गाइस आज की वीडियो में रह गए इतने, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, बाय।